नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। UPSI ASI है ना, जो आपका गोपनीय और आपका लिपिक और लेखा की जो परीक्षा और उसका जो कट ऑफ रिलीज हुआ, आपने देखा एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा हाई चली गई। हाई जाने का कारण भी आपको अभी तक तो समझ में आया ही होगा कि कहीं ना कहीं भर्ती बहुत ही प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। और दूसरी बात ये कि जो लिस्ट बनी है उसमें बहुत ही ज़्यादा ओवरलैपिंग है, कहीं 500 तो कहीं 1000, आप ये चीज़ देख पाए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब टीम परीक्षा प्लस के साथ बहुत सारे बच्चे एक मुहिम जो चला रहे हैं, एक जो 7 अप्रैल को भर्ती बोर्ड जाने के लिए यहाँ पे एक कूच कर लिए हैं, तो उसकी तरफ आप लोग में से कितने लोग साथ दे रहे हो? क्योंकि साथ देना सबका बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आपने टेम्पलेट भी देख लिया होगा कि 7 अप्रैल लखनऊ चलूगा UPSI ASI के लिए। कट ऑफ हाई जाना ही यहाँ पे मुद्दा नहीं है, मुद्दा इस बात का सबसे ज़्यादा है कि जो ओवरलैपिंग हुई है, और ओवरलैपिंग में कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एलिजिबल तो हैं, आहर तो हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वंचित रह जाएंगे अवसर से। और दूसरी बात, एक जो फर्जी सर्टिफिकेट, हालांकि फर्जी सर्टिफिकेट वालों की खैर नहीं है, वो बात मैं आपको दिखा भी दूंगा, बट जो जरूरी बात है वो मैं आपको यहां पर बताने आया हूं कि आप में से जो भी बच्चे हो, चाहे आप UPSI ASI की परीक्षा दिए हो या ना दिए हो, दिए में आप सफल हो या असफल हो, क्योंकि मैं जान रहा हूं जितने भी अभ्यर्थी सफल हैं वो कहीं ना कहीं बाउंड्री के पास हैं, और उनका नाम तो बहुत ही कम सुनने को मिल रहा है जो 180-185 नंबर या इस क्वेश्चन करेक्ट करने वाले हैं। तो ये लड़ाई सबकी है, और केवल आप परीक्षा देने वाले ही नहीं, परीक्षा नहीं देने वालों की भी बात है। वो आपकी अभी UPSI का भी कट ऑफ आएगा, आप देखिएगा उसमें भी यही होने वाला है। आप चाहे आप पिछली बार वीडियो का देखें या इलाहाबाद हाई कोर्ट का देखें, तो अगर आप अभ्यर्थी वर्ग हैं तो आप केवल एक परीक्षा से संबंधित नहीं है, एक परीक्षा आप नहीं देते हैं, और उससे संबंधित कितने भी जो परीक्षाएं आप दे रहे हैं, आप किसी भी परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, मैं सभी से ये गुजारिश करूंगा, सभी से मैं विनती खुद करूंगा कि जो बच्चे भर्ती बोर्ड जा रहे हैं उनका 7 अप्रैल को सभी लोग साथ दो, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी संख्या होगी, जितनी यूनिटी आपकी होगी, उतना ही ज्यादा जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं, जो लीडर हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलेगा, उनके मोटिवेशन मिलेगा, और वो अपनी बात और भी कॉन्फिडेंस के साथ रख पाएंगे, आपके लिए ही रखेंगे। आपकी ये लड़ाई किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है, आपकी अपनी यहाँ बात केवल 35,000 की नहीं है, लाखों लाख अभ्यर्थियों की है, चाहे इस परीक्षा की हो चाहे अन्य परीक्षा की हो। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे UPSI हो, चाहे आपका ये मिनिस्ट्रियल वर्ग का हो, या फिर आपका कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो, या आप लेखपाल के अभ्यर्थी हो, या फिर आप वीडियो के अभ्यर्थी हो, या फिर आप किसी भी परीक्षा में जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है या फिर केंद्र से संबंधित है, अगर आप लखनऊ या लखनऊ के अगल बगल जिले से संबंधित हो, तो 7 अप्रैल को, और वो भी मैं टाइमिंग आपको बता दूं कि 11 बजे भर्ती बोर्ड तक हर हालत में पहुंच जाओ, ताकि 12 बजे तक आपके डीजी सर से मुलाकात हो जाए, और अपना जो ज्ञापन है, अपनी जो बातें हैं, बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही तरीके से उनके सामने रख पाओ। मैं एक बार जरूर बोलूंगा कि जो भी आप जा रहे हो, बहुत ही विनम्रता से जाओ, कोई बहुत हो हल्ला नहीं करना है, कोई वहां पे मारपीट नहीं करना है, कोई भी वहां पे अधिकारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे कड़े लहजे में बात नहीं करनी है, बहुत विनम्रता से बात करनी है, बहुत शालीनता से बात करनी है, लेकिन स्पष्टता अपनी सारी बातें उनके सामने रखनी है और बहुत कॉन्फिडेंटली रखनी है। मैं एक बार दिखा दूंगा आपको, एक तो डेट 7 अप्रैल, और मैं इसमें टाइमिंग भी आपको बता दूं, जो टाइमिंग है वो 11 AM पे सभी लोग कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड पे पहुंच जाओ। बहुत सारे बच्चे प्रयागराज से आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मेरठ से आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आसपास के जिलों से आ रहे हैं, चाहे वो बाराबंकी हो, चाहे वो उन्नाव हो, या जहां पे भी हैं वो प्रयास कर रहे हैं आने का, उनके टिकट भी कहीं ना कहीं आप ग्रुप में देख लिए होंगे। तो आप भी आओ अगर उनमें से हो, और अगर नहीं इस परीक्षा में सम्मिलित थे तो भी आप आओ, अगर आप लखनऊ के रहने वाले हो। विशेषता ये ज्ञापन है जो तैयार किया गया है, इसका विषय आप देख लो, उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय सहायक उपनिरीक्षक लिपिक एवं उपनिरीक्षक लेखा सीधी भर्ती 2020 के सभी पदों को भरे जाने एवं अभिलेखों की कड़ाई से समीक्षा कराए जाने के संबंध में, ये पूरा का पूरा ज्ञापन है। इसमें 3 पॉइंट में दिया गया है, और तीनों पॉइंट में जो है वो पहला पॉइंट यही है कि फॉर्म भरते समय बहुत से अभ्यर्थी अहर्ता न होने के बावजूद भी सभी पदों पर आवेदन कर दिए थे, जिसके चलते उनके नाम सभी लिस्ट में है, किंतु वो केवल एक ही पद पर चयनित होंगे, ऐसे पद रिक्त रह जाने की प्रबल संभावना है। और अगर पद रिक्त रह गया तो भर्ती बोर्ड हो सकता है कि वो वैकेंसी बैकलॉग में डाल दे, या बोले कि फिर से अधियाचन आएगा, तब होगा। ये ना हो पाए, जितने बच्चे क्वालिफाई हो, चाहे वो आपके जो सेक्शनल कट ऑफ था या ओवरऑल कट ऑफ था उससे ऊपर हो, भले जब तक वैकेंसी ना पूरी हो जाए, लास्ट बच्चा भी बुलाया जाए, तो भर्ती बोर्ड को बुलाना पड़े। आप इतना ज्यादा यूनिटी दिखा दो,
और वहां पे इस बात को वहां पे रखो। तो मेन जो मुद्दा है वो सभी को मौका मिलना चाहिए, लिस्ट खाली नहीं जानी चाहिए, ये है। और दूसरी जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा ये है कि जो फर्जी सर्टिफिकेट वाले हैं वो पूरा का पूरा गेम गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसके लिए तो पूरा प्रयास है। मैं एक बार बता दूं, जो भी फर्जी सर्टिफिकेट वाले हो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो पहले से सहम जाओ, क्योंकि बाद में क्या हश्र होगा उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा, इसके लिए जिम्मेदार आप ही होगे। भर्ती बोर्ड में भी कई बार ज्ञापन जा चुका है, एक्सेप्ट भी हो चुका है, और इवन यही नहीं, आपके जो कॉप अनिरुद्ध को आप जानते होंगे, मैं भी आपको वीडियो भी दिखा दूं, उनके भी संज्ञान में चीजें हैं। और इस बार जो समीक्षा के लिए बैठने वाले अधिकारी हैं, क्राइम ब्रांच के भी अधिकारी हैं, तो बच नहीं पाओगे। अगर यहां पे बच गए तो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग में आपकी समीक्षा होती रहती है, आपका वेरिफिकेशन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होता रहता है, कहीं ना कहीं किसी पे जाओगे, आपके केस भी होगा और बाद में आपको उसकी कार्यवाही भी करनी पड़ेगी, जेल भी जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। इससे ज्यादा बेहतर है कि आप दूसरी परीक्षा में लग जाओ और जो जेन्युइन कैंडिडेट है उन्हें मौका दिया जाए। अगर आप सफल हो और आपके पास चीजें हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग सफल फेक ही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो सफल है वो बिल्कुल जाए, उनके साथ कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और फाइनली सिलेक्शन लें। तो ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैं आपको दिखा दूं, जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत सारे अभ्यर्थी ओ लेवल के समकक्ष भर्ती सर्टिफिकेट जिसकी मैंने बात की, और तीसरा है कि जो मार्क्स नहीं शो किया गया है इसके पीछे क्या कारण है। सारे बच्चों का चाहे वो सफल हो चाहे असफल हो मार्क्स भी शो किया जाए, ये तीन मुद्दे हैं और इनके अलावा कोई तीसरा मुद्दा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए यहां पे कोई एसआई या स्टेनो की बात नहीं हो रही है, समग्र रूप से सभी बच्चों की बात हो रही है। और मैं फिर से एक बार विनती करना चाहूंगा कि जो बच्चे चाहे इस परीक्षा से संबंधित हो चाहे ना संबंधित हो, लखनऊ से, लखनऊ के आसपास के जिले से या किसी प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से अगर आ सकते हैं तो जरूर आए और अन्य जो छात्र हैं उनका साथ दें। मैं आपको यह भी दिखा दूं, जो फौजी सर्टिफिकेट वाले हैं उनके साथ, उनको आप जानते होंगे और अच्छे से आप सुन भी लें। तो ये है आपका जो अभी आपने इन्हें भी देखा, और कहीं ना कहीं ये बात सारे फर्जी सर्टिफिकेट वालों की बात सभी के कान में पड़ चुकी है, तो आप पहले से ही यहाँ पे सतर्क हो जाए तो ज्यादा बेटर है। मैं फिर से लिख दे रहा हूं कि 7 अप्रैल को है ना, 7 अप्रैल को 11 AM पे सभी लोग भर्ती बोर्ड में उपस्थित जरूर हो जाएं। अगर किसी को कोई भी किसी प्रकार की समस्या होती है तो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है, उसके खाने की उसके रहने की सारी व्यवस्था मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन आपकी ये लड़ाई आपको आगे आगे करनी पड़ेगी, आपके साथ मैं खड़ा हूं, मैं आपको वहां पे भी मिलूंगा। और जो बच्चे आ रहे हैं वो कमेंट में ये जरूर बताएं कि कौन आ रहा है, और नहीं आ रहे तो भी बताएं कि नहीं आ रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जो मनोबल है या जो क्या करना है वो पता चल जाए। और अगर आप आ रहे हैं तो अपने साथ कम से कम 4-5 बच्चों को जरूर लेके आए, वो किसी भी परीक्षा से संबंधित हो, किसी भी भर्ती से संबंधित हो, बट उन्हें लेके जरूर आइए। जितना ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। दूसरी बात, आपकी जो ज्ञापन है उसका बिंदु मैंने आपको डिस्क्लोज कर दिया है, और यही आपके मेन पॉइंट होने चाहिए। बहुत ज्यादा भटकाव की स्थिति मत लाओ, जितनी ज्यादा यूनिटी होगी, जितना ज्यादा चीजें संक्षिप्त होगी, उतनी ही आसानी से आप बात रख पाओगे और उतने ही अच्छी तरीके से कर पाओगे। बाकी किसी भी समस्या के लिए सदैव मैं आपके साथ खड़ा हूं, टीम परीक्षा प्लस हमेशा आपके साथ खड़ी थी। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आएगी और आप 7 अप्रैल को जरूर पहुंचेंगे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।